एक छोटा सा शहर था। वहाँ पर एक बहुत ही बुद्धिमान लेकिन बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता था। नाम था उसका बिल्लू। स्कूल में भी उधम मचाता फिरता था, कम पढ़ाई करता था लेकिन अच्छे नंबरों से पास हो जाया करता था। ये सिर्फ उसकी बुद्धि के बदौलत ही होता था। मास्टर लोग भी उसे छेड़ने से कतराते थे, क्योंकि अगर उसका मन पढ़ाई में नहीं है तो किसी भी प्रश्न का ऊट पटांग उत्तर दिया करता था। एक दिन की बात है, स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मास्टर साहब ने देखा बिल्लू खिड़की से बाहर बड़ा मग्न होकर देख रहा है। मास्टर साहब को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बिल्लू से पूछा, बिल्लू तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं है, तुम मेरी बातें अनसुनी कर रहे हो। नहीं सर, मैं आपकी ही बातें सुन रहा था, मैं एकदम ध्यान लगा कर आपकी बातें सुन रहा हूँ। ओ अच्छा, तो जो मैं पढ़ा रहा था उसमें एक प्रश्न का जवाब दो। जी सर, पूछिए। अच्छा बताओ तो, हमारे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, जल्दी बताओ। अब बिल्लू का माथा ठनका, वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो तो खिड़की से बाहर एक तितली को उड़ते हुए देख रहा था। अब क्या करें? लेकिन बिल्लू तो ठहरा बिल्लू, वो हारने वालों में से नहीं था। उसे झट से एक उत्तर सूझा। उसने बोला, सर ये तो एकदम आसान सा सवाल है। तो ठीक है, बताओ। बिल्लू ने बड़े इत्मीनान से खड़े होकर मास्टर जी से बोला, सर हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बारिश तो आसमान से जमीन पर ही पड़ती है। यह सुनकर मास्टर जी की बोलती बंद, वे बिल्लू को तकते रह गए। तो ये था हमारा बिल्लू। एक बार की बात है, बिल्लू के पापा किसी काम से शहर से बाहर जा रहे थे। वे बिल्लू से बोले, बिल्लू बेटा जरा सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। तुम शरारत बिल्कुल मत करना, अपनी माँ को तंग मत करना, ठीक ठाक स्कूल जाना और पड़ोसियों को भी परेशान मत करना, ठीक है? जी पापा, मैं तो शरारत करता ही नहीं हूँ, फिर भी आप कहते हो तो नहीं करूँगा। बिल्लू के पापा ने संदेह भरी नजरों से बिल्लू को देखा और निकल पड़े दूसरे शहर के लिए। घर में अपनी माँ के साथ बिल्लू अकेला रह गया, और जो कुछ भी हो, बिल्लू अपने माँ और पापा से बेहद प्यार करता था। उसने अपनी माँ को दिलासा दिया और कहा, माँ आप एकदम परेशान मत होना, पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं सारा कुछ संभाल लूंगा, मैं हूँ ना आपके साथ, आप एकदम डरना मत, मैं पूरे घर की रखवाली खुद कर लूंगा। माँ ने उसकी प्यारी बातें सुनकर हंस दिया और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर उसे पुचकार दिया। बिल्लू भी बहुत खुश हो गया। अब धीरे धीरे दिन ढल गया। दोनों माँ बेटे ने रात का खाना खाया और फिर पास पास पलंग पर सो गए। जब रात गहरी थी तो अचानक बिल्लू को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी उसके घर के अंदर। उसके कान खड़े हो गए। फिर उसने महसूस किया कि उनके घर में कोई घुस आया है। वह समझ गया ये एक चोर था। बस बिल्लू चौकन्ना हो गया, लेकिन वह जरा भी नहीं डरा। वो सोचने लगा कैसे चोर को घर से भगाया जाए, क्योंकि चिल्लाने से चोर उस पर और उसके माँ पर हमला कर सकता है, इसलिए उसने चिल्लाया नहीं। इतने में माँ भी जग गई। उसने धीरे से माँ को चुप रहने का इशारा किया, फिर धीरे से अपने बगल में तकिए को किनारे से लगाया और उस पर चद्दर डाल दी। अब ऐसा लग रहा था जैसे बगल में बिल्लू के पापा भी लेटे हुए हैं। तब बिल्लू ने तकिए पर हाथ मारते हुए जोर से कहा, पापा पापा फिर अपने पिस्तौल अपने बगल में लेकर सो रहे हैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरे पीठ पर ये चुभ रही है और फिर आपने गोली भी डाल रखी है, अगर गलती से पिस्तौल चल गई तो मुझे माँ को या आपको भी गोली लग सकती है,
माँ ने कितनी बार आपसे कहा है कि अपनी पिस्तौल लेकर मत सोइए, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं। ये सुनकर घर के अंदर चोर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा, बुरे फंसे। बाप रे बाप, इस घर में तो भरी हुई पिस्तौल है, कभी भी मुझ पर गोली चल सकती है। भला इसी में है कि घर से बाहर का रास्ता नाप लूं, जान बची तो लाखों पाए। ये सोचता हुआ चोर जिस तरह से घर में घुसा था, वैसे ही घर से चुपके से निकलकर भाग गया। तब बिल्लू समझा कि चोर उसकी बातें सुनकर डर के मारे भाग खड़ा हुआ। दोनों माँ बेटे और खूब हंसे। माँ देखो, मैंने चोर को डराकर भगा दिया, हूँ ना मैं आपके देखभाल के काबिल। ये कहानी गांव के एक चुड़ैल की है, जो गांव में अचानक से आ चुकी थी और गांव के लोगों को गायब कर रही थी। गांव में सभी लोग उस चुड़ैल से काफी डरे हुए थे और सभी आपस में डरे डरे बात कर रहे थे। आज वो चुड़ैल फिर से किसी को पकड़ कर ले गई है। हम आखिर कैसे बचे उससे? हम क्या करें जो चुड़ैल हमें ना पकड़े? हमें जल्दी ही उसका कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। तो अभी यहाँ से भागो, रात हो चुकी है, वो चुड़ैल आने वाली ही होगी। सभी गांव वाले डर के भाग जाते हैं और अपने घरों में छुप जाते हैं। कुछ देर में चुड़ैल सफेद साड़ी पहने हुए आती है और गांव में इधर उधर घूमती है। तभी उसे एक आदमी रास्ते में केले का छिलका फेंकते हुए दिखाई देता है। वो तुरंत उसके पास जाती है और उसे देख कर हंसने लगती है। वो आदमी देखकर डर जाता है और रोते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर वो चुड़ैल उसे पकड़कर ले जाती है और वहां से गायब हो जाती है। सुबह सुबह गांव वाले चिंतित हो जाते हैं और दौड़ते हुए मुखिया के पास जाते हैं। सरकार हमारी मदद कीजिए, वो चुड़ैल हमारे गांव से रोजाना एक ना एक आदमी को पकड़ कर ले जा रही है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ, उस चुड़ैल से लड़ने की ताकत नहीं है मेरी। आप ही समाधान निकालिए हमारे कष्ट का। एक काम करते हैं, गांव के बाबा जी के पास चलते हैं, उनके पास जरूर इस दिक्कत का कोई ना कोई हल होगा। गांव वाले और मुखिया जी जंगल से होते हुए बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी हवा में उड़ते हुए तपस्या कर रहे थे। गांव वाले उनके सामने विनती करते हैं, बाबा जी हमारी मदद कीजिए। बाबा जी गांव की मदद कीजिए, हमें आपकी जरूरत है। कुछ देर में बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। बताओ क्या मदद कर सकता हूँ। बाबा हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है, वो हर दिन हमारे गांव से किसी न किसी आदमी को पकड़ कर ले जा रही है। हाँ बाबा हमारी मदद कीजिए। तुम सब एक काम करो, तुम सब चुड़ैल को हर रात छुप छुप कर देखना और वो किसे पकड़ कर ले जा रही है उसकी मुझे 2-3 दिन की सूचना देना, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना बोलकर बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। गांव वाले वापस अपने गांव चले जाते हैं। आज रात को वो सभी घर में छुपे चुड़ैल को देख रहे थे। चुड़ैल आती है और कचरे के सामने एक खड़े आदमी को उठाकर ले जाती है। मुझे आज फिर से एक शिकार मिल गया है। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगली रात सभी गांव वाले चुड़ैल को देखते हैं और देखते हैं कि चुड़ैल फिर से एक कचरे वाले जगह में आती है और वहाँ गंदा कर रहे लोगों को उठाकर ले जाती है। गांव वाले 2-3 दिनों के कारनामे देख चुके थे, वो मुखिया जी के साथ वापस बाबा जी के पास आते हैं। बाबा हमने बड़ी विचित्र चीज देखी। हाँ बाबा हमें उस चुड़ैल में अजीब चीज देखी है। क्या देखा तुमने बताओ? बाबा वो कचरे के सामने आदमी को उठाकर ले जा रही है, हर बार वो एक ही जगह से आदमी को उठा रही है। इन सभी लोगों की बातें सुनकर बाबा उन सभी लोगों से बोलते हैं, मेरे बच्चों वो चुड़ैल अपना बदला लेने आई है, किसी ने उस कचरे के पास एक केले का छिलका फेंक दिया था जिसकी वजह से उस चुड़ैल का पैर फिसला और वो गिरकर पत्थर से टकरा गई थी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। बाबा की इस बात को सुनकर सभी चौंक जाते हैं। सभी बाबा से बोलते हैं, बाबा इसका क्या उपाय है, हम कैसे उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाएं? वो चुड़ैल सिर्फ गंदगी फैलाने वाले को उठा रही है, जो गंदगी फैला रहे हैं उसको वो गायब कर रही है।
तुम लोग सभी सफाई रखो और सभी लोग उसके सामने माफी मांगो, वो तुम लोगों को छोड़ देगी। बाबा, अगर हम माफी मांगने गए और उसने हमें चोट पहुंचाई तो? वो एक अच्छी चुड़ैल है, वो बस अपना बदला ले रही है। लेकिन तुम लोग माफी मांगोगे और पूरे गांव को साफ कर दोगे तो वो तुम सबको माफ कर देगी। गांव वाले समझ जाते हैं और सभी लोग बाबा का शुक्रिया करते हुए वापस गांव आ जाते हैं। सुबह से ही सभी गांव वाले सफाई में लग जाते हैं और हर जगह कूड़ा कचरा साफ करने लगते हैं। सभी अच्छी तरह से सफाई करो, एक भी जगह कचरा नहीं बचना चाहिए। हाँ सरकार, हम सभी गांव को साफ कर देंगे। आज साफ सफाई करके हम सब उस चुड़ैल से माफी मांग लेंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। सभी गांव वाले दिन भर सफाई में लगे रहते हैं और पूरे गांव को साफ कर देते हैं। और सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छुपकर चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। रात होती है, चुड़ैल आती है और हर तरफ गांव के चारों ओर घूमती है और साफ देखकर चौंक जाती है। वो थोड़ी सी शांत सी और खुश सी हो जाती है। आज सब कुछ साफ साफ क्यों लग रहा है? आज मुझे पता नहीं क्यों शांति सी महसूस हो रही है। तभी पीछे से सभी गांव वाले चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगते हैं। मैं तुम सबको खा जाऊंगी। मुखिया जी और गांव वाले सभी हाथ जोड़कर बोलते हैं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा नुकसान किया है। अब से हम गांव साफ रखेंगे ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो, हमें माफ कर दो। गांव वालों की बात सुनकर चुड़ैल शांत हो जाती है और एक चुड़ैल से सुंदर बहू बन जाती है और सबको आशीर्वाद देते हुए वहां से चली जाती है। वो चुड़ैल चली गई है। हाँ वो चली गई है, लेकिन हम अब गांव को साफ सुथरा रखेंगे, कभी कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे। हाँ हाँ जरूर। और गांव वाले खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? ये सीखा कि हमें अपने आसपास की जगह को हमेशा साफ रखना चाहिए। साफ सफाई से हमारे मन के विचार भी अच्छे होते हैं। पेपर ले लो, पेपर, आज की ताजा कहानी ले लो, ठंडा पानी, 20 का एक बोतल, 20 का एक बोतल, समोसे गरम, भूख मिटाए, पेट को राहत मिलाए, बोलिए गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म समोसे। भाई, मेरी मदद कर दो, मुझसे उतरा नहीं जा रहा है। गोपाल ने देखा कोई मदद नहीं कर रहा है। गोपाल अच्छा लड़का है, उसने तुरंत आगे बढ़कर मदद की। लीजिए बाबा, आप उतर गए बस से। हाँ बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल नाम है मेरा, और मैं यहीं थोड़ी दूर आगे एक होटल में काम करता हूँ। तुम इतने कम उम्र के हो, स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल जाने से पेट की भूख तो नहीं मिटेगी ना। मैं पढ़ना चाहता हूँ पर गरीब हूँ ना, घर में दो दो छोटी बहन है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? सब लोग गांव में रहते हैं, पापा भी काम करते हैं पर खर्च हो जाता है ना। इतने कम उम्र में इतने समझदार हो गए हो, हालात ने तुमको उम्र से पहले जवान बना दिया। बेटे, मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, वहां से पेंशन लेनी है। मैं पहले टीचर था, अब रिटायर हो गया हूँ। आपको अकेले नहीं आना जाना चाहिए, सहारे के लिए किसी को साथ ले जाना चाहिए।
बेटा और बहू दिल्ली में रहते हैं, इसीलिए अकेले ही चला आया बेटा। थैंक यू। मेंशन नॉट। बूढ़ा अपने रास्ते और गोपाल अपने रास्ते चला गया। चार घंटे बाद गोपाल कुछ सामान लेने एक दुकान में आया जो बस स्टैंड के अंदर ही था। सामान लेकर बस डिपो में गाना गाते हुए जा रहा था। तभी उसकी नजर उस बूढ़े पर पड़ी जो गिरा हुआ था। ये तो वही बाबा है जो सुबह मिले थे। गोपाल भागकर बूढ़े के पास गया। बूढ़े के सिर से खून निकल रहा था। गोपाल ने लोगों से हेल्प के लिए कहा। सब लोग बूढ़े को गरीब समझकर हेल्प नहीं कर रहे थे। भाई समोसे वाले हेल्प करो, इनको हॉस्पिटल ले जाना है। नहीं भाई, मुझे टाइम नहीं है, मेरा समोसा ठंडा हो जाएगा तो कौन लेगा, मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता हूँ भाई। बूढ़ा दर्द से कराह रहा था। गोपाल ने पानी वाले को आवाज दिया। ओ पानी वाले भाई, इधर आओ, एक पानी की बोतल दो और मेरी मदद करो, इनको हॉस्पिटल पहुंचा दो। भाई पानी के पैसे दो, मैं तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मेरा ठंडा पानी गर्म हो जाएगा तो कौन खरीदेगा। पानी तो दे दो और इनको रिक्शे में बैठने में हेल्प कर दो। हाँ इतना तो कर सकता हूँ, ये लो पानी। गोपाल ने पानी की बोतल ली और बूढ़े को पिलाया और जेब से पैसे निकालकर पानी वाले को दिया। गोपाल और पानी वाले ने बूढ़े को गाड़ी में बैठा दिया। शहर में कुछ दूर चलने के बाद रिक्शा हॉस्पिटल के आगे रुका। उस दिन इलाज होने के बाद बूढ़ा आदमी ठीक हुआ तो उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और बोला, गोपाल बेटा, तुमने बिना लालच के मेरी इतनी सेवा की, तुम्हारा उपकार है मेरे ऊपर। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो इंसान का फर्ज होना चाहिए कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे। तुम पढ़ना चाहते हो ना? हाँ बाबा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर? नहीं, मेरे मम्मी पापा को फिर तकलीफ हो जाएगी अगर मैं काम नहीं करूँगा तो। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं उनको अपने पास बुला लूंगा। तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे घर पर रह सकते हो, और मेरे पास खेत है जहां वो खेती करके किसान का काम कर सकते हैं। क्या सच में? आप कितने अच्छे हो, क्या मैं आपको दादाजी बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। बूढ़ा और गोपाल घर पहुंचे। घर बहुत ही शानदार था। कुछ ही देर में गोपाल के मम्मी पापा भी आ गए। मम्मी ये दादाजी है, बहुत अच्छे हैं, कल से मैं स्कूल जाऊंगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, भगवान तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। उसके बाद बूढ़े के घर पर गोपाल के फैमिली खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा बच्चों? कि बिना लालच के किसी की हेल्प करने से हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है, इसीलिए हमें निस्वार्थ मन से हेल्प करनी चाहिए।